नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये महिंद्रा की XUV 500 W8 मॉडल है और इसमें कस्टमर कंप्लेंट है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो सेल्फ तो ले रही है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे एक ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे जो येलो कलर की जो चेक लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। ऊपर वाली बाकी का तो ब्लिंक होता है, वो तो मोबाइल की वजह से, लेकिन आपका जो येलो जो साइन है ऊपर वाली येलो लाइट वो कंटिन्यूसली फ्लैशिंग कर रही है। तो जब भी ब्लिंकिंग होता है उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं होएगी। तो अपन एक बार उसको इमोबिलाइज हुआ है गाड़ी ऐसा भी बोलते हैं, सेफ मोड में चली गई है गाड़ी, इंजन लॉक हो गया, सो बहुत सारे नाम से उसको बोलते हैं। तो अपन इसको एक बार एक्सट्रूल PS70 Pro स्कैनर के ऊपर उसको स्कैन करेंगे और फॉल्ट को चेक करेंगे और फॉल्ट को क्लियर करेंगे। तो इग्निशन स्विच ऑन है अपना, तो एक बार अपन एक्सट्रूल PS70 Pro स्कैनर के ऊपर उसको स्कैन करते हैं। जाएंगे ऑटो स्कैन में, और गाड़ी स्टार्ट नहीं होने के इसमें इमोबिलाइज कंडीशन में बहुत सारे रीज़न रहते हैं, जैसे कि आपका ECM, BCM, इमोबिलाइजर, एंटीना जो बोलते हैं की प्रोग्रामिंग, डीजल ख़त्म हो जाएगा तो भी ये प्रॉब्लम होता है, वायरिंग कट जाती है तो भी ये प्रॉब्लम होता है, या फिर कुछ गाड़ी में फॉल्ट है और आप कंटिन्यूसली बहुत बार सेल्फ मारेंगे तो भी ये इमोबिलाइज कंडीशन में चली जाती है। तो इसमें थोड़ा सा वायरिंग खुला था इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया हुआ है। इसमें थोड़ा डिस्प्ले ये दूसरा डाला था इसकी वजह से। तो एक बार उसको अपन डायग्नोस करते और सीधा जाएंगे XUV 500 में, सिस्टम सिलेक्शन और EMS इंजन कंट्रोल मॉड्यूल या फिर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं EMS, उसको अपन एक बार स्कैन करते हैं और सीधा रियर फॉल्ट कोड चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो फॉल्ट कोड शो हो रहे हैं P183F इमोबिलाइजर नॉट प्रेजेंट इन व्हीकल, सेकंड है P1832 1832 इमोबिलाइजर ऑथेंटिकेशन एरर, और थर्ड है 183B इमोबिलाइजर एरर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ रॉन्ग आइटम्स, और जो 4 है वो U1113 की मैसेज लॉस एरर फॉर HVAC। तो ये इसका जो डिस्प्ले का है उसका काम किया था, इसके वजह से नीचे का कोड आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाले जो थर्ड कोड है वो इमोबिलाइज गाड़ी जब भी हो जाती है तो ये फॉल्ट कोड शो होते। तो इसको एक बार मैं क्लियर करूँगा तो ये क्लियर भी नहीं होएंगे, आपको एक बार मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। क्लियर फॉल्ट कोड सक्सेसफुली बता रहे, रेड ट्रबल कोड करते तो ये फॉल्ट कोड वापस आ गए। तो ये फॉल्ट कोड क्लियर नहीं होएंगे जब तक उसको अपन कोडिंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए अपन जाएंगे पूरा बैक और जाएंगे स्पेशल फंक्शन इमोबिलाइजर, ओल्ड सॉफ्टवेयर, ऑटो आइडेंटिफाई, इग्निशन स्विच ऑन है तो ऑन है ऑलरेडी अपना, और इसका अपन इसको अपन ईमो सिंक करेंगे, और मेरे पास एक की है तो 1 वैलिड की से उसको अपन ईमो सिंक करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली, और ये 2 मिनट के लिए इग्निशन स्विच ऑफ करने के लिए बोल रहा है ओके, और एक बार क्लियर ट्रबल कोड करेंगे, क्लियर ट्रबल कोड इमोबिलाइजर, क्लियर ट्रबल कोड EMS सक्सेस। तो दोनों सक्सेस किया, अभी इग्निशन स्विच को ऑफ करते हैं 2 मिनट के लिए,
आपको 30 सेकंड काफ़ी हो जाएंगे मेन रैली कट ऑफ होने के लिए। तो अपना 2 मिनट हो गए, तो इग्निशन स्विच ऑन करते हैं। ऑन किया मैंने, ये मोबाइल की वजह से ब्लिंक कर रहा है, लेकिन ये जो येलो वाला जो लाइट है वो चला गया, आपका ऊपर वाला जो ब्लिंक कर रहा था वो चला गया। वापस एक बार ऑफ किया मैंने, ऑन किया, चला गया। अभी गाड़ी को एक बार क्रैंक करते हैं। अरे अपनी गाड़ी स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं, और एक बार उसका फॉल्ट कोड भी एक बार क्लियर होता है क्या अभी देखेंगे, तो अभी तो हो ही जाएगा, लेकिन एक बार वो भी देख लेते हैं। ऑटो स्कैन, गाड़ी को स्टार्ट ही रखो मैं। डायग्नोस्टिक XU500 सिस्टम सिलेक्शन EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम रेडी ट्रबल कोड, एक मिनट इसको एक बार क्लियर करता हूँ। क्लियर ट्रबल कोड सक्सेसफुली हो गए, रेडी ट्रबल कोड वापस करते हैं। तो ये फॉल्ट कोड अपना चला गया, अभी ये वो पैनल खोला था इसकी वजह से वो लाइट आ रहा है, लेकिन अपना जो इमोबिलाइजर का फॉल्ट कोड था वो अपना चला गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा। जय हिंद दोस्तों।